रिपोर्ट अमेरिका की, विभाग अमेरिका का और चर्चा भारत की। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि आजकल अमेरिका की एक रिपोर्ट जो इन दिनों हेडलाइंस में है, उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई जिन्हें सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। फिलहाल भारत ने जो अमेरिकी रिपोर्ट आई है उसकी निंदा की है और भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत के विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अमेरिकी रिपोर्ट को लेकर तीखी नाराजगी जाहिर की। भारत ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण करार देते हुए कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं देती, क्योंकि रिपोर्ट भारत के बारे में खराब समझ को बताती है। दरअसल कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने अलग अलग देशों में मानवाधिकार कानूनों के पालन को लेकर उसकी सिचुएशन पर एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में चीन, ब्राजील, बेलारूस, म्यांमार के साथ साथ भारत का भी जिक्र था। रिपोर्ट में कहा गया कि धार्मिक अल्पसंख्यकों और मुसलमान के खिलाफ सिस्टमैटिक तरीके से भेदभाव किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर सरकार का समर्थन करने वाले लोगों की ओर से कुछ फिक्स्ड ग्रुप्स के लोगों पर हिंसक अटैक किए गए और आवाज उठाने वालों को जबरन जेल भेजने की कोशिश हुई। इसके बाद भारत ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जाहिर कर दी। किस रिपोर्ट पर विवाद छिड़ा है अब ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने 22 अप्रैल को रिपोर्ट जारी की थी। कई देशों में मानवाधिकारों से जुड़े कानूनों की स्थिति को लेकर ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट में चीन, ब्राजील, बेलारूस, म्यांमार के साथ भारत का जिक्र है। भारत में रह रहे मुसलमानों को लेकर भी कई दावे किए गए हैं। बीजेपी सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया है। भारत के नागरिकों की आजादी का हनन हो रहा है, ये रिपोर्ट कहती है। अमेरिका के इस रिपोर्ट में कई शब्दों का बार बार इस्तेमाल हुआ, जिनमें इंडिया शब्द का 25 बार, नरेंद्र मोदी का 2 बार, बीजेपी का 4 बार, राहुल गांधी का 2 बार, कांग्रेस का 3 बार, मणिपुर का 27 बार, हरदीप सिंह निज्जर का 1 बार, इलेक्शंस का 10 बार उल्लेख है। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में भारत को लेकर दावा किया था कि मणिपुर में मैताई और कुकी समुदायों में फैली जातीय हिंसा फैलने के बाद मानवाधिकारों का हनन हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक मैताई और कुकी समुदायों के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से मणिपुर में कम से कम 175 लोग मारे गए और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में तानाशाही बढ़ी है। अमेरिका की मानवाधिकार रिपोर्ट में भारत में रह रहे मुसलमानों को लेकर भी कई दावे किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि भारत की बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। भारत में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों में भी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग अनियमितताओं के आरोपों पर यूके बेस्ड ब्रॉडकास्टर बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर में इनकम टैक्स की रेड का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने के बाद बीबीसी पर रेड की गई। 60 घंटे तक चली इस रेड में अधिकारियों ने उन पत्रकारों के भी मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए थे जो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में शामिल नहीं थे। रिपोर्ट में मोदी सरकार पर पत्रकारों को चुप करवाकर जेल भेजने की कोशिश करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी का हनन हो रहा है, लोगों को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने नहीं दिया जा रहा। यूएस की इस रिपोर्ट में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में हत्या को लेकर भी चिंता जताई गई। वहीं इस रिपोर्ट में राहुल गांधी की सांसदी जाने को लेकर भी लिखा गया है। अमेरिकी रिपोर्ट पर भारत ने तो नाराजगी जाहिर कर दी है और रिपोर्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, लेकिन अब देखना यह होगा कि भारत के इस रुख पर अमेरिका क्या रिएक्शन देता है, क्योंकि अमेरिका खुद को समझता है सुपीरियर। खैर वो है भी, लेकिन अब भारत उसे इतनी वैल्यू नहीं देता। ये बात उसे भारत के इस कदम से थोड़ी बहुत जरूर समझ में आ गई होगी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।